नमस्कार। भारत केवल एक भूभाग नहीं है बल्कि अपने आदि ज्ञान से विश्व को आलोकित करने वाला महान राष्ट्र है। शकुंतला के पुत्र भरत के प्यारे देश भारत की धरा पर आदि शंकराचार्य से लेकर कवि नानक, रैदास और फिर स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद जैसे महापुरुष, मनीषी, संत, पुण्य आत्माएं मानव रूप में अवतरित होते रहे हैं, जिन्होंने मानव को मृत्यु से अमृत की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करने के लिए ऐसी अलख जगाई कि भारत को विश्व गुरु कहा जाने लगा। महर्षि दयानंद जी ने न सिर्फ ज्ञान की अलख जगाई बल्कि ज्ञान रूपी अखंड ज्योत निरंतर जलती रहे इसके लिए प्रयास किए। आइए जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। कृष्ण दशमी संवत 1881, मुंबई की मोरबी रियासत का गांव टंकारा। टंकारा आजकल गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र का एक गांव है। इसी गांव में करसनदास तिवारी अपने परिवार के साथ रहते थे। करसनदास जी के आंगन में फाल्गुन कृष्ण दशमी संवत 1881 के दिन मूल नक्षत्र के समय किलकारी गूंजी। इस बालक का नाम रखा गया मूल शंकर तिवारी। ब्राह्मण कुल में होने से बालक मूल शंकर का लालन पालन पूरे धार्मिक माहौल में होने लगा। मूल शंकर बहुत ही बुद्धिमान थे। चीजों को देखने की, समझने की दृष्टि उन्हें अन्य बालकों से भिन्न करती थी। वो बहुत जल्द चीजों को ग्रहण करते। बाल जीवन में ही कुछ ऐसी घटनाओं से उनका सामना हुआ जिनके कारण उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। बात शिवरात्रि के पर्व की है। पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए शिव मंदिर में ही ठहरा हुआ था। रात्रि को भजन कीर्तन होने के पश्चात भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाया जा चुका था। धीरे धीरे सब वहीं पर सो गए, लेकिन मूल शंकर अब भी जाग रहे थे। उन्हें आस थी कि स्वयं भगवान शिव आएंगे और प्रसाद को ग्रहण करेंगे, लेकिन वे क्या देखते हैं कि कुछ चूहे शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं और प्रसाद को भी खा रहे हैं। ये सब देखकर उन्हें एक प्रकार से धक्का सा लगा। उनके मस्तिष्क में एक सवाल कौंधा। जो ईश्वर अपनी और अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने भक्तों का कल्याण कैसे कर सकता है? कुछ ही समय पश्चात उनके जीवन में और एक ऐसी घटना घटी जिससे वे बहुत ही विचलित हो गए। उस समय महामारियां बहुत अधिक फैलती थीं। हैजा भी एक बड़ी बीमारी उन दिनों हुआ करती थी। बालक मूल शंकर की एक बहन थी जो इस बीमारी का शिकार होकर काल का ग्रास बन गई। इसके कुछ समय पश्चात ही उनके चाचा भी इस बीमारी से अकाल मृत्यु का शिकार हुए। इन दो घटनाओं ने उन्हें जीवन मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए मजबूर कर दिया। वे बहुत ही परेशान रहने लगे। उनकी हालत से परिजन भी परेशान रहने लगे। यहाँ तक की कहानी तो है बालक मूल शंकर की। बालक मूल शंकर एक सामान्य बालक नहीं था, दिव्य था, अलौकिक था। पिता से तर्क करता, मूर्ति पूजा को नहीं मानता, जीवन और मृत्यु से जुड़े अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछता। परिवार तय करने लगा कि क्यों ना मूल शंकर पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभी बालक मूल शंकर ने स्वामी दयानंद सरस्वती बनना था, तो फिर शुरू हुआ मूल शंकर का स्वामी दयानंद सरस्वती बनने का महान सफर। भगवान, जीवन, मृत्यु, आत्मा आदि अनेक रहस्य मूल शंकर के सामने घूमते रहते। उनके जहन में सवाल ही सवाल थे और कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए मन विचलित सा रहने लगा था। ये 1846 के आसपास की बात है जब उन्होंने विवाह करने से साफ इनकार कर घर त्यागने का निर्णय लिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। भ्रमण करते करते वे पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास लेकर दयानंद सरस्वती बन गए। इसके बाद गुरु विरजानंद जी की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने पाणिनि व्याकरण,
पतंजलि के योग सूत्र वेद वेदांग आदि का अध्ययन किया। बदले में गुरु दक्षिणा के लिए गुरु ने इच्छा प्रकट की, दुनिया भर में इस ज्ञान का प्रसार करो, समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करो। गुरु विरजानंद से वेदों का ज्ञान लेने के बाद उनका जीवन के रहस्यों से पर्दा उठ चुका था। अब उनके जीवन का उद्देश्य उनके सामने था। यही वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म बढ़ते जा रहे थे, इसलिए इन बेड़ियों को काटना भी बहुत जरूरी हो गया था। आजादी की पहली लड़ाई की पटकथा का पहला लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। 1857 में देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे कई तरह से याद किया जाता है। भले ही इस लड़ाई को हम नहीं जीत पाए, लेकिन ये सच है कि इसने आजादी की नींव डाल दी थी और लगभग 100 वर्षों से जड़ जमा चुके अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। 1846 में जब महर्षि दयानंद सरस्वती घर त्याग कर देश में घूमने लगे, तो उन्होंने ये महसूस किया कि लोग अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुके हैं। ये लोग आजादी के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। वे जहां भी जाते अपने प्रवचनों में देशभक्ति की अलख भी अवश्य जगाते। वे कहते थे, आर्यवर्त आर्यवर्तवासियों का है, यानी भारत भारतवासियों का है। ये कहने का साहस सर्वप्रथम स्वामी दयानंद जी ने ही किया था। 1855 में हरिद्वार में कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आबू पर्वत से हरिद्वार तक उन्होंने पैदल यात्रा की। हरिद्वार में एक पहाड़ी पर एकांत स्थान में अपना डेरा लगाया। यहीं पर उन्होंने नाना साहेब, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह और अजीमुल्ला खान से लंबी बातचीत की। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन सभी वीर बहादुरों का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था। इसी बैठक में जब कुंवर सिंह जी ने इस आंदोलन की सफलता की संभावना पर प्रश्न किया, तो स्वामी जी ने कहा था, हम समझते हैं अंग्रेजी शासन के वटवृक्ष की जड़ें 100 साल में काफी गहरी फैल चुकी हैं, इसलिए इनको खोखला कर इनको उखाड़ फेंकने में भी समय लगेगा। मान्यता है कि अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीयों तक रोटी व कमल के जरिए संदेश देने की योजना भी स्वामी जी के साथ हुई इसी बैठक में बनी। आंदोलन की योजना बनाने के पश्चात स्वामी जी ने हरिद्वार में रुककर ही विश्वस्त साधुओं का एक गुप्त संगठन भी बनाया, जिसका मुख्यालय दिल्ली के मेहरौली स्थित योगमाया मंदिर में बनाया गया। इस मुख्यालय की भी इस आंदोलन में मुख्य भूमिका रही। आंदोलन सिरे नहीं चढ़ पाएगा, इसका आभास स्वामी जी को था। इसीलिए वो कह रहे थे कि जो राज 100 सालों में स्थापित हुआ है, उसे उखाड़ने में भी लंबा समय लगेगा। लेकिन उनका उद्देश्य साफ था कि इसकी शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी ही पड़ेगी। स्वामी जी ने क्रांति की अलख तो लोगों में जगा दी थी, लेकिन इसकी विफलताओं में सामाजिक कुरीतियों का भी एक बड़ा कारण था। धर्म, जाति, संप्रदायों, मतों और पंथों में बटे समाज का एक होना वो बहुत जरूरी मानते थे। इसीलिए 1875 में उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसमें जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं था, बल्कि कर्म के आधार पर ही उसकी जाति का निर्धारण था। ये समाज था आर्यों का समाज, आर्य यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज। स्वामी जी को अपने गुरु विरजानंद जी से आदेश मिला था कि ज्ञान का प्रसार करो और सामाजिक कुरीतियों को दूर करो। अपने गुरु के आदेश की पालना के लिए ही स्वामी जी निकल पड़े थे। उस समय के समाज में जात पात के आधार पर ऊंच नीच की खाई बहुत अधिक गहरी थी। महिलाओं की स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या। शिक्षा के हालात तो और भी बुरे थे। धार्मिक तौर पर भी ये समय चुनौतीपूर्ण था। पाखंड की पताका हर ओर फहरा रही थी। धर्म के नाम पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे, सब के सब स्वामी जी के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे थे। वे इन सब चुनौतियों का डट कर सामना करते रहे थे और 1875 में बंबई में उन्होंने आर्य समाज की नींव डाली। आर्य समाज को समाज सुधार का आंदोलन भी माना जाता है। इसमें शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास किया जाता है। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि,
झूठे कर्मकांड या किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की इसमें कोई जगह नहीं। समाज के जिन तबकों को अछूत समझा जाता, जिस आधी आबादी को केवल चूल्हे चौके व घर की चार दीवारी तक सीमित रखा जाता, उन तबकों का उत्थान स्वामी जी ने आर्य समाज के जरिए करने की ठानी। उनके द्वारा रचित इस आर्य समाज में दलितों व स्त्रियों को आर्य समाज में यज्ञोपवीत धारण करने, वेदाध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता। समाज का आदर्श वाक्य भी है, कृणवंतो विश्वमार्य, विश्व को आर्य यानी श्रेष्ठ बनाते चलो। तो स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। हालांकि ये राह आसान नहीं थी, उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस दौर में उनके क्रांतिकारी विचारों को लोगों को समझना मुश्किल हो रहा था, लेकिन स्वामी दयानंद कहां हार मानने वाले थे। धीरे धीरे कारवां बनता गया, आर्य समाज एक आंदोलन का रूप लेने लगा, खासकर वर्तमान हरियाणा में जो उस समय पंजाब का भाग था। आर्य समाज की स्थापना भले बंबई यानी मुंबई में हुई हो, लेकिन उसका व्यापक प्रभाव तो हरियाणा पंजाब पर पड़ा है, जो उस समय पंजाब ही कहलाता था। दरअसल आर्य समाज की स्थापना से पहले से ही स्वामी जी ने समाज सुधारकों में अपनी एक विशेष छवि विकसित कर ली थी। वे धीरे धीरे साधारण जनमानस पर अपना प्रभाव छोड़ रहे थे। शुरुआत में संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। बात 1872 की है। कलकत्ता में उनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन जी से हुई। उन्होंने स्वामी जी से कहा, आपके विचार बहुत ही कल्याणकारी हैं। यदि आप अपनी भाषा को हिंदी कर ले तो इस देश का काफी भला हो सकता है। इसके पश्चात स्वामी जी ने हिंदी का प्रयोग शुरू कर दिया, जिससे उनके समर्थकों अनुयायियों का दायरा काफी बड़ा होता गया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक देश के कई हिस्सों में वे गए, लेकिन उनके विचारों का स्वागत जैसा हरियाणा पंजाब में हुआ वो कहीं और नहीं हुआ। मार्च 1877 से जुलाई 1878 तक लगभग 16 महीने महर्षि जी ने रेवाड़ी से लाहौर के मध्य के क्षेत्रों में बिताए। 24 जून 1877 को आर्य समाज की द्वितीय शाखा लाहौर में स्थापित की और इसके बाद आर्य समाज की पताका इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर फहराने लगी। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में स्वामी दर्शनानंद, चौधरी पीरू सिंह, स्वामी वृत्तानंद, भगत फूल सिंह और स्वामी उमानंद जैसे तपस्वियों की मेहनत से गुरुकुलों की स्थापना होने लगी। और ये उसी गुरुकुल शिक्षा का असर था कि इस आर्य भूमि में हर तरफ वेद मंत्रों की आवाजें गूंजने लगी। यहाँ के लोगों ने उनके विचारों को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते ये पूरा इलाका आर्य समाजियों का गढ़ बन गया। आर्य समाज के भजनियों ने उपदेशों और गीतों से गांव-गांव जाकर प्रचार किया। सत्य ज्ञान प्रकाश बिना यह अंधकार था छाया, वेदों का संदेश ऋषि ने जन जन तक पहुंचाया, करी पाखंडियों की बोलती बंद, भारत में होया कुजियारा, आए आए ऋषि दयानंद, भारत में होया कुजियारा। तत्कालीन पंजाब के इस हरियाणा क्षेत्र में खेती से जुड़े तमाम समुदायों में आर्य समाज का पूरा प्रभाव पड़ा, जिसे आज भी देखा और महसूस किया जा सकता है। आर्य समाज के इस प्रभाव को लेकर हरियाणा में लोकगीत तक गाए जाते रहे हैं। Yeah.
आर्य समाज ने जहां मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड, सती प्रथा और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया, वहीं विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति के लिए संयम और अनुशासन को ब्रह्मचारी के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने वैदिक परंपरा के अनुसरण का प्रचार करते हुए वेदों का महत्व बताया। वहीं समाज में व्याप्त जातिवाद, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर चोट करते हुए स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया और विधवा विवाह का समर्थन किया। धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए स्वामी दयानंद जी के योगदान का समाज सदैव ऋणी रहेगा। स्वामी जी ने समाज सुधार सिर्फ अपने भाषणों और बतौर सामाजिक कार्यकर्ता नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपने विचारों को कलमबद्ध करके भी ज्ञान के प्रकाश को फैलाया है। उनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश ने तो इस मामले में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। महर्षि स्वामी दयानंद जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। मातृभाषा जहां गुजराती रही तो संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान रहे। संस्कृत तो वेद धारा प्रवाह बोलते थे, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश को इन्होंने हिंदी में लिखा। स्वामी जी को इस बात का आभास हो चुका था कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिससे पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। सत्यार्थ प्रकाश को भी उन्होंने हिंदी में इसीलिए लिखा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके विचारों से लाभ उठा सकें। सत्यार्थ प्रकाश लिखने की एक वजह ये भी थी, स्वामी जी देश भर में शास्त्रार्थ करने व अपने प्रवचनों से दिन ब दिन ख्याति पा रहे थे। अनुयायी ये महसूस कर रहे थे कि स्वामी जी के विचार यदि लिखित भी हों तो उन्हें और भी अच्छे से समझा जा सकता है व ज्यादा लोग तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। साथ ही आने वाली पीढ़ियां भी इन विचारों से एक नई राह तलाश सकेंगी। सत्यार्थ प्रकाश भी असल में आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए ही लिखा गया था। इसमें तमाम धार्मिक कुरीतियों व पाखंडों के खिलाफ आवाज उठाई गई है। सत्यार्थ प्रकाश असल में वैदिक कथनों के सही अर्थ पर प्रकाश डालता है। देश, धर्म और समाज के लिए अद्भुत काम करने वाले स्वामी दयानंद का जीवन चुनौतियों से भरा रहा है। हर क्षण उन्हें मौत को चुनौती देनी पड़ती थी। कई देशी और विदेशी ताकतें उनकी जान के पीछे पड़ी हुई थी। उनकी मृत्यु हुई भी षड्यंत्र के कारण ही थी। उन्होंने जो अंतिम शब्द बोले थे वो ये थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। स्वामी जी का देहावसान सन 1883 में दीपावली के दिन हुआ था। आइए जानते हैं क्या क्या षड्यंत्र उनकी हत्या के लिए किए गए थे। स्वामी जी का प्रभाव लोगों में बढ़ता ही जा रहा था। वे लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार भी अपने भाषणों के जरिए कर रहे थे। अब अंग्रेज भी उनके प्रभाव को भांप रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को बुलाकर अपनी प्रार्थना सभाओं में अंग्रेज सरकार के कल्याण की बात बोलने को कहा, लेकिन स्वामी जी ने सीधे कह डाला, अपनी प्रार्थना सभाओं में मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकता, बल्कि मैं तो स्वयं ये विश्वास करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि मेरे देशवासी जल्द से जल्द स्वाधीन हों, विदेशी सत्ता के जुए से उन्हें मुक्ति मिले। बस इतना कहने भर की देर थी कि उसके बाद स्वामी जी की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। उनको खतरा मानते हुए उनकी हत्या के षड्यंत्र रचे जाने लगे, लेकिन हर बार स्वामी जी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते। पर एक बार वे जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह के बुलावे पर उनके यहाँ गए हुए थे। यहाँ उनके प्रवचन होने लगे। स्वामी जी राजमहल में भी गए, जहाँ उन्होंने महसूस किया कि महाराज पर नन्ही नामक वेश्या का कुछ ज्यादा ही प्रभाव है। स्वामी जी को ये अच्छा नहीं लगा और महाराज जसवंत को समझाया, जिसके पश्चात उन्होंने स्वामी जी की बात बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हुए नन्ही से संबंध तोड़ लिए। नन्ही को ये बात रास नहीं आई और वो स्वामी जी के विरुद्ध हो गई। कहते हैं स्वामी जी के रसोइये कलिया उर्फ जगन्नाथ को बहका कर स्वामी जी के दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया। कलिया को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ व स्वामी जी से माफी मांगने लगा। स्वामी जी की उदारता ही थी कि स्वामी जी ने कलिया को न सिर्फ माफ कर दिया, बल्कि जीवन यापन व राह खर्च के लिए 500 रुपए भी अपने पास से दिए। अब स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन माना जाता है कि यहाँ भी औषधि के नाम पर स्वामी जी को धीमा जहर दिया जाता रहा। जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें अजमेर के अस्पताल भी लेकर गए।
लेकिन कार्तिक मास की अमावस की वो संध्या जिसमें हर ओर लोग दिए जलाकर अंधेरे को दूर कर प्रकाश का पर्व मनाते हैं, स्वामी जी भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाकर उस प्रकाश में विलीन हो गए। भारत माँ तेरा सूरज डूब के घोर अंधेरा हो गया, काल बलि की गोद में जिस दिन महर्षि दयानंद सो गया। माना जाता है कि स्वामी जी की हत्या का षड्यंत्र असल में अंग्रेजों ने रचा था। नन्ही व जोधपुर अस्पताल के चिकित्सक तो उनके मोहरे मात्र थे। आज उनकी वसीयत के अनुरूप अजमेर स्थित ऋषि उद्यान, जहां गुरुकुल, गौशाला, यज्ञशाला और वानप्रस्थ आश्रम चलाने के साथ साथ परिसर में बने संग्रहालय में महर्षि जी से जुड़ी वस्तुओं को संजो कर रखे हुए हैं और यहीं पर उनकी जीवन यात्रा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। परोपकारिणी सभा का वैदिक यंत्रालय उनके ज्ञान की पुस्तकें छपवाकर विश्व भर में फैलाने का काम बखूबी कर रहा है। यहाँ पर स्वामी जी द्वारा विदेशों से मंगवाई गई प्रिंटिंग मशीनों को भी संजो कर रखा गया है। उनके व्यक्तित्व और कार्यों के जरिए उनकी छवि बहुत ही प्रभावित करने वाली रही है, इसलिए उनके देहांत के पश्चात विभिन्न लोगों ने उन पर अध्ययन किया। आइए जानते हैं अन्य महापुरुषों ने उनके बारे में क्या कुछ कहा है। स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं। उन्होंने हमें स्वतंत्र विचारना, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया। स्वराज्य और स्वदेशी का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले ज्वल्यमान नक्षत्र थे दयानंद। महर्षि दयानंद स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे। भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो प्रेरणा जागृत की, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरूतियाँ, बुराइयाँ, उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। वो जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, संकीर्णता, इसके खिलाफ थे और ये समाज से जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इसी के साथ साथ देश की स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने मूल मंत्र दिया उसके ऊपर जनता चली और बाद में देश को स्वतंत्रता उनके द्वारा दिए हुए मूल मंत्र के आधार पर हमको प्राप्त हुई। वैदिक संस्कृति जो हमारी पुरानी धरोहर है, भारतवर्ष की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान है, उस वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शक्ति के साथ प्रयास किए। और इतना ही नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में पुराने संस्कारों को जगाने के लिए वैदिक शिक्षा पद्धति के आधार पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रारंभ की। आज के समय में भी महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया हुआ मार्ग हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में जिस तरह के भारतवर्ष का हम निर्माण करना चाहते हैं, उसमें उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। सदियों बाद वेद शिक्षा से उत्तर भारत को अवगत करवाने का श्रेय स्वामी दयानंद जी को ही जाता है। हवन संस्कृति और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ मनुष्य की जाति को जन्म से नहीं कर्म से जोड़ने की बात कही। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का भारत में सांस्कृतिक नव जागरण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की सोच से प्रेरणा पाकर आर्य समाज के प्रचारकों ने इस क्षेत्र में जो शिक्षा क्रांति में भूमिका निभाई और आम हरियाणवी की महर्षि जी के प्रति सद्भावना को समझते हुए ही इस विश्वविद्यालय का नामकरण महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के रूप में किया गया, ताकि उनके द्वारा शिक्षा के माध्यम से समाज को श्रेष्ठ बनाने की मुहिम को जारी रखा जा सके। स्वामी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए ही विश्वविद्यालय में यज्ञशाला का निर्माण किया गया और हर रोज हवन यज्ञादि यहाँ पे होता है। स्वामी जी की सोच और उनके साहित्य पर शोध के लिए
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अभी हाल ही में UGC चेयर हमें दी है, जिसके तहत विश्वविद्यालय में महर्षि जी के जीवन, उनके संस्कार, उनकी शिक्षाओं के ऊपर गहन शोध होगा। स्वामी जी के ऊपर इस UGC चेयर के अलावा विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर भी 10 शोध पीठ स्थापित की हुई हैं, जिनके तहत विभिन्न महापुरुषों पर शोध और अध्ययन किया जाता है। विश्वविद्यालय का कुलगीत शायद इकलौता कुलगीत हो सकता है जिसकी शुरुआत गायत्री मंत्र से होती है। विश्वविद्यालय इतना बड़ा रूप धारण कर चुका है कि आज यहाँ कैंपस में 80 के करीब कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें करीब 57 PG कोर्सेज, 8 डिप्लोमा कोर्सेज, 11 ऑनर्स कोर्सेज, 7 सर्टिफिकेट कोर्सेज और 3 एड ऑन कोर्सेज हैं। इसके अलावा UG लेवल पे लॉ, फार्मास्यूटिकल साइंस और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में 10 UG कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। ये सभी कोर्सेज MDU मेन कैंपस रोहतक और MDU सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज़ गुड़गांव में चलाए जा रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति इतना समर्पण है कि उनके समर्पण भाव को देखते हुए ही विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जो पुस्तकालय है 24 घंटे खुला रहता है, जिसमें निरंतर बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षा और संस्कार ही नहीं देता, यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल और कला का भी विशेष महत्व है। आज के दिन विश्वविद्यालय प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं हैं। हमारे विद्यार्थियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में विश्वविद्यालय का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। कला के क्षेत्र में टैगोर ऑडिटोरियम और राधा कृष्ण ऑडिटोरियम के नाम पे दो हमारे पास ऐसी संस्थान हैं जिसमें बच्चों की कला और विधा उभर के आती है। उनके सर्वांगीण विकास के लिए और हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम का भी आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शख्सियत बहुत बड़ी है, इसलिए कोई उन्हें देश का पितामह कह रहा है तो कोई स्वराज की नींव डालने वाला पहला व्यक्ति। वो बहुतों के गुरु हैं, तो समाज को सत्य के प्रकाश से प्रकाशित करने वाली रोशनी भी वही है। ऐसी महान हस्ती के दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक युवाओं में संस्कार और शिक्षा के प्रसार में लगकर एक बेहतर समाज, बेहतर हरियाणा, बेहतर भारत और बेहतर विश्व बनाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाते हुए स्वामी जी के सपने को साकार कर रहा है। नमस्कार।